देखो बेसिकली हम लोगों ने क्या बात किया था कि वीक फील्ड लिगेंड में, देखो जया एंड सुधा, हम लोग बात कर रहे थे कि सर जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था? वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में हम लोगों ने यहां तक देखा था। आवाज सबको क्लियर है कि थोड़ी सी और तेज बोलने की जरूरत है? बताओ। क्या आवाज सबको सही है, क्लियर है? इसी पे क्लियर आगे बढ़ा जाए। देखो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, यानी कि हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हम लोगों का सबसे पहले पता है कि ये बता चुके हैं कि सबसे पहले टी टू जी आता है, फिर बाद में ऊपर की तरफ हायर एनर्जी हमारा ईजी होता है। इसी तरीके से हमें दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और बोला जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताओ, एक में वीक फील्ड लिगेंड बताओ। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है कि आपको भी पता बताया था मैंने कि ये सर हुंड रूल को फॉलो करता है, यानी कि सर ये एन प्लस एल रूल को फॉलो करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप होंगे वह कैसे भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होना चालू हो जाएगी, जैसे फिर उसके बाद ये डबल करना चालू हो जाएगा। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात किया जाए तो इसमें पेयरिंग कैसे हो जाएगी, जैसे हमने क्या लिया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है। मान लो यहाँ पे D7 था तो इसको हम इस तरीके से फिलअप किए। अगर D7 हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमें बताना होगा तो सर इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और जो लास्ट में 6 के बाद एक बचेगा, 7वां जाएगा ईजी में। यानी कि मैं आप ये देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब भाई ये तो पेयर में हो जा रहे हैं ना, अनपेयर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन यही D7 का इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 1 2 3 है। तो यही आप कहोगे कि सर जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होता है, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सर क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा होता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड में वो ज्यादा होता है। यही अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता है। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं बच्चों कि वीक फील्ड लिगेंड में क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ध्यान से समझना, अगर वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप यही कहोगे सर इसकी स्पिन ज्यादा होगी। इसकी स्पिन जो होगी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब भाई सिंगल सिंगल है ना, सब शादी तो ही नहीं इन लोग की, तो वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर ये वो तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो स्पिन जो होगी वो भी ज्यादा होगी। तो स्पिन क्या होगी, इसके अंदर ज्यादा मिलेगा। यही अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपने देखा कि इसमें किस तरीके से फिलअप हो रहा है, ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो एक ही होगा, यानी कि कम होगा। तो इसके अंदर जो स्पिन होगी वो स्पिन जो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया था, यहाँ तक सबको समझ में आया था ना। अब हम पीडीएफ को शेयर कर रहे हैं। जय, इन चीजों पे तुम लोग प्रैक्टिस इसलिए करना, पिछला क्लास रिवीजन इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों को एक बार याद रहे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो उसके बेसिस पे जब तुम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो सारी चीजें तुम्हारी और इजी हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी।
यानी कि यहाँ पे एक बार अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पे हम टोटल 5-6 क्वेश्चन आज तुम लोगों से कराएंगे और बाकी के जो 5-6 क्वेश्चन होंगे वो तुम लोग खुद से करोगे। यानी कि हमने यहाँ पे यही बताया, एक तरफ हम लेते हैं क्या वीक फील्ड लिगेंड और एक तरफ क्या लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देख रहे थे कि सबसे पहले पेयरिंग हो जा रही थी, तो पेयर होने की वजह से यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम बच रहा था, तो आप ये कह रहे थे कि सर यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम बच रहा था तो इसकी जो स्पिन हो रही थी वो स्पिन भी कम हो रहा था, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो था वो ज्यादा था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो स्पिन होता था वो स्पिन थोड़ा ज्यादा होता था। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश किया है इस पीडीएफ के पेज नंबर 1 पे कि सर जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन जो होगी उतना ही ज्यादा होगी, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आप लोग ये देख रहे थे कि सर उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है सर वो एक एक करके सब में पहले भरता है, तो भाई एक एक करके सबसे पहले भरेगा तो इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे पेयरिंग होता है, तो यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाता, जो भी बचता है कम बचता है, तो इसकी वजह से वहां पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम बचते हैं, वहीं एक वीक फील्ड लिगेंड में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा होने की वजह से जो स्पिन होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे स्पिन जो होगा बेसिकली वो कम होगा। तो हमने नोट्स में एक बार हिंदी में लिख दिया ताकि तुम लोग आसानी भाषा में समझ सकते हो, देखो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा स्पिन होगी, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश ये कर रहा है कि सर वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होगा जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। जब यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आपको भी पता है कि अनपेयर जिसके अंदर ज्यादा होती है उसकी स्पिन भी ज्यादा होती है, मतलब उसकी घूमने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसकी जो स्पिन होगी वो हाई स्पिन होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी लो स्पिन होगी। लो स्पिन लो क्यों होगी, क्योंकि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होता है। वही हमने जो तुमको बताया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सर जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसकी जो स्पिन वैल्यू होती है वो हाई होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में या कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेसर नंबर में होते हैं, कम होते हैं, इसके वजह से क्या होता है इसकी जो स्पिन होती है वो कम होती है, इसीलिए इसको लो स्पिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार हम इसके अंदर आते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो ये बता रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ CFT यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, तो जैसे हमारे पास क्या दिया VF6 दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पे दे दिया नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्ज, ये दिया, तो हम सबसे पहले तो V जो हमारा होता है वेंडियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे, यहाँ पे प्लस फ्लोरिन होता है -1 × 6 और इज इक्वल टू के बाहर हमारा -3 हो जाएगा, तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वो +3 आएगी, यानी कि यहाँ पे +3 ये शो कर रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे, यानी कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेंडियम का करते हैं तो 4s2 आता है और 3d3 आता है बच्चों, तो यानी कि केमिस्ट्री में +3 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री में उल्टा होता है, प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलना और नेगेटिव मतलब होता है ऐड होना, तो यानी कि जो ओरिजिनल हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि जब हम वेंडियम +3 यहाँ पे लिखेंगे तो ये कहेंगे कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो आप ये कहोगे कि सर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4s हमारा क्या हो जाता है 0 और 3d से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये हो जाता है 3d2, यानी कि जब हम वेंडियम +3 हम जब लिखे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों और वो कुछ ना इस तरीके से बचा, मतलब डी में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारा बचेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे, तो जब ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको भी पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको सीधा पता है डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले यहाँ पे बना लोगे T2G, हमेशा इसमें नीचे बनाओ क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि CFT में ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, EG हमारा ऊपर होता है, तो आप कैसे इसको फिलअप करोगे, कहोगे सर डी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, अब यहाँ पे नाम नेमिंग कर दो, कहोगे सर T2G में हमारा T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 है, बस यहीं तक करना है, एकदम सिंपल था। आगे एक और करके हम बताते हैं,
अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं Fe(CN6)4-, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहां से ये देखोगे, आप देख के पहचानोगे, जैसे हमारा फ्लोरीन था, फ्लोरीन था तो उसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको आसानी तरीके से आप फिलअप कर लिए। यानी कि अब हमारा क्या यहाँ पे सीएन है, और हम आपको पहले भी बताए थे फ्लोरीन क्लोरीन जो होते हैं ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं T2G में, तो एक एक करके भर जाते हैं, जो हमने पीछे देखा एक एक करके हम लोगों ने भरा था। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे देखो, हमारा जो यहाँ पे लीगेंड लगा हुआ है, अब देखो इसमें लीगेंड क्या होता है बच्चों, तो आपको भी पता है कि जो एक सिंगल बच्चा रहता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और उसे जो गुच्छे में जो लगे होते हैं, तो गुच्छे में हमारा CN6 है, मतलब 6 साइनाइड आयन लगे हुए हैं, तो ये हमारा क्या होता है, लीगेंड होता है। तो यहाँ पे जो लीगेंड बच्चों है वो CN है, और मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो बच्चों यहाँ पे जो लीगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जो हमें लीगेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो लीगेंड जो हमारा बच्चों आपको बताया था कि जो CN होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। और आपको भी बताया था मैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो बताओगे सर इसमें पहले ही अपना पेट भर लेता है T2G, इतना भूखा होता है कि पहले पेट अपना भर लेगा, और जो बचे बचेगा तब जाके वो EG को देगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हैं, आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो यानी कि आप सबसे पहले इसमें जो हमारा Fe(CN6) हमारा है और 4- है, इसका पहले एक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सेंट्रल मेटल आयन का, तो एक्स मान लोगे यहाँ पे एक्स प्लस CN का होता है -1, तो -1 × 6 कर लोगे, बराबर में लिख दोगे -4, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो +2 आएगी। +2 ये रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री में कि जो हमारा आयरन का जो 26 ओरिजिनल क्या होता है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26, अब किसी आयरन के ऊपर +2 आ गया तो इसका मतलब ये आ गया कि इस 26 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 24, और इस 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो 2d इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि 3d6, और इसी 6 इलेक्ट्रॉन को हम T2G और EG में हमें दिखाना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सर जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो आयरन पे जो चार्ज आया वो +2 चार्ज आया, जब +2 चार्ज आएगा तो उसकी डी इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसके अंदर भरेंगे कैसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको मैं पहले बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो गया कि हम पहले क्या कर दिए T2G में ही पूरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो हमें क्या देखने के लिए मिला, जो 6 इलेक्ट्रॉन था हम इसके अंदर डाल दिए, तो हम इसका नाम नेमिंग कैसे करेंगे कि सर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितना, 0। अगर यहीं पे मान लो CN की जगह कोई CL रहता बच्चों, CL अगर रहता तो उसमें भी +2 आता चार्ज, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ भरते, देखो इस उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे 3d6 था ना, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड रहा होता यानी कि यहाँ पे CN की जगह CL रहा होता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यही जो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ था उसको कैसे भरते, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सबको पहले सबको मिठाई बांट देते, सभी ग्रुप में मिठाई बांट देते, जो बचता फिर उसको डबल करके देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें क्या करते हैं मिठाइयां पहले T2G वाले घरों में बांट लेते हैं, मतलब खुद के घर में पहले बांट लेते हैं, जब बच जाता है तब पड़ोसी को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीक यानी कि जो कमजोर बेचारा था वो क्या करता है, पहले सबको दे लेता है, बचता है तो घर वालों को वो देता है। यानी कि आई होप ये समझ गए होंगे कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोला जाता है और वीक फील्ड लिगेंड किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे एटम को भरेंगे और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स। अब देखो फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वहां पे क्या था, दूसरा था, अब यहाँ पे हमने चार्ज में चेंज कर दिया, -3 ले लिया, यहाँ तो यहाँ पे जब -3 ले लिया वहां पे +2 लिया था, -2 लिया था ना, तो यहाँ पे देखो अगर हम Fe(CN6) हमारा है CN6 है ही यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज हो गया -3, तो क्या इस चार्ज से कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है, यहाँ पे एक्स मानेंगे प्लस -1 × 6 करेंगे, फिर बराबर में क्या कर देंगे -3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स और -1 × 6 हो जाएगा -6, बराबर क्या हो जाएगा -3, तो x ये 6 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 6, तो इस 6 में से -3 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा +3। यानी कि जो आयरन जो हमारा है इसके साथ सेंट्रल मेटल हमारा जो हमारा क्या लगा, आयरन लगा है, यानी कि जो आयरन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26,
26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 होता है और 3d6 होता है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस 3, यानी कि जो आयरन होता है 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यानी कि Fe+3 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो ये कह सकते हो कि सर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s0 हो जाएगा, और डी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। यानी कि सर इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से भरा जाएगा, तो आपको भी पता है कि सीएन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, हमेशा पेयरिंग कराता है, ये दिमाग में बैठा लो, जहां पे सीएन आएगा तो पेयरिंग कराना है। यानी कि सर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा ये हम आपको बता देते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर हम पहले T2G बनाएंगे, फिर हम EG बनाएंगे, हम साइड साइड ले रहे हैं, आप इस तरीके से बनाना एग्जाम में। तो T2G में कैसे भरेंगे D5 इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे पहले 1 2 3 4 5, मतलब अपने घर में पहले मिठाई बांट लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, बचेगा तब दूसरे वाले घर को देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो ये जो NH3 होता है सर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड लिगेंड होता है? तो ध्यान देना, अगर लिगेंड में किसी में हाइड्रोजन आ जाता है, अगर लिगेंड में कोई भी हाइड्रोजन लग से H2 आ गया, NH3 आ गया, NH4 आ गया, तो जहां पे भी हाइड्रोजन आता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। क्या होता है, हमेशा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करता है। तो जहां पे NH3 देख लेना, पानी देख लेना, फ्लोरीन देख लेना, क्लोरीन देख लेना, ये सब क्या चीजें बिहेव करता है, ये वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरोगे वो किस तरीके से भरोगे, तो पहले एक एक करके सबको मिठाई बांट लोगे सारे घर में, तो इस तरीके से भरा जाएगा। यानी कि आप लोग देख के ही बता दिए कि सर जो NH3 हमारा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक तरीके से वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि NH3 का 6 है, और यहाँ पे 2+ चार्ज लगा हुआ है। यानी कि आप ये कहोगे सर NH3 का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 × 6 0 होता है, तो यानी कि Ni के ऊपर जो चार्ज आया वो +2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। अब +2 चार्ज कैसे आया, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि +2 चार्ज कैसे आया, तो एक बार यहाँ पे देख लो, देखो +2 चार्ज कैसे आया। जैसे हमारे पास क्या है, Ni है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में NH3 है और 6 हो गया, और ब्रैकेट के बाहर +2 लगा हुआ है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये x हो जाएगा, प्लस NH3 की जो चार्ज वैल्यू होती है वो 0 होता है, तो 0 × 6 करेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो आप 0 से किसी भी अंक को गुणा करते हो वो क्या आता है, 0 आता है ना, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो +2 आ जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो जो निकल का जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वो क्या होता है, लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 4s2 3d8 बचता है। यानी कि सर हमारा जब Ni+2 हो गया तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 4s का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s0 3d8 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, अब इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन को हमें फिलअप करना है। तो आप इस तरीके से बना लेना एग्जाम में, या इस तरीके से, तो आप इसमें कैसे भरोगे, क्योंकि सर ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में कैसे हम फिलअप करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबको एक एक मिठाई बांट देते हैं, जो बचता है फिर अपने घर में फिर से बांट देते हैं, फिर उसके बाद भी बचेगा तो फिर से पड़ोसी को दे देंगे। तो आप इसका नेमिंग करोगे तो क्या कहोगे, सर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में करना होगा, और ये क्वेश्चन सारे क्या हुए कि पूछे गए हैं पूरे एग्जाम में। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे यहाँ पे सर क्रोमियम साइनाइड आ गया, सीएन आ गया, तो मैं आपको क्या बताया हूँ बच्चों कि जहां पे भी आप सीएन देखना वो क्या बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो सबसे पहले इसका हमारा जो क्रोमियम हमारा है, जो CrCN6 हमारा जो बच्चों है, इस पे हम पहले चार्ज निकाल लेंगे। जब इसके ऊपर हम चार्ज निकालेंगे CrCN6 के ऊपर, तो आप ये कहोगे कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और CN क्या होता है, -1 × 6 बराबर क्या होता है, -3। तो यानी कि ये हमारा हो गया x माइनस 6 बराबर क्या हो गया, -3। तो ये जब -6 उधर जाएगा = के तो प्लस में हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, -3 + 6। तो 6 नंबर में से हम 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, +3 बचेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सर हमारे क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज आया है वो +3 चार्ज आया है। कितना आया है बच्चों,
प्लस थ्री चार्ज आए, यानी कि जो क्रोमियम का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हैं तो 4s2 और 3d5 होता है। यानी कि सर जब हम क्रोमियम प्लस थ्री आया, यानी कि जब हम निकाल लिए तो प्लस थ्री चार्ज आए, तो हम इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये पूरा गायब हो जाएगा, तो 4s0, और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3d हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, सॉरी 3 बचेगा, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सर बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और क्रोमियम जो हमारा होता है, 12th में पढ़े होंगे, ये एक्सेप्शन होता है, मतलब वहां पे 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और हमारा जो दो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अरे भाई क्लास 12th में तुम लोग पढ़े थे ना कि कॉपर और क्रोमियम ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसमें जो 4s में इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक ही होता है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास 12th में पढ़ा होगा क्रोमियम और कॉपर के बारे में, एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक नंबर 24 में। तो हमारे पास जो डी में बचा बच्चों इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन बचा। जब वो 3 बचेगा तो आप कि क्या कहोगे कि सबसे पहले हम T2G को देंगे, अब इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि हम इसमें से फिर से पेयरिंग कर देंगे, तो आप कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आई होप सबको ये क्लास समझ में आई होगी, इस पर न्यूमेरिकल 3-4 तो कर लेना। इसके बाद हम आपको इसके ऊपर कुछ बेसिक सा न्यूमेरिकल कराएंगे, जो जिसके अंदर न्यूमेरिकल टर्म्स दिया जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग लगाना है और पता करना है कि किसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, किसमें वीक फील्ड लिगेंड होगा। एक तुम लोग को हम चार्ट दे देंगे, उसको तुम लोग रट्टा मार लेना, जैसे CN आपको पता चल गया सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें कैसे भरेंगे, तो इसी तरीके से हम तुम लोग को एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे। यहां तक सबको समझ में आया, नंदनी, कोमल, सुधा, चलो ठीक है, आज यहीं पर रोकते हैं। तुम लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हम इसको रात को PDF बना के 3-4 क्वेश्चन भेज देंगे।